गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। टुडे वी डिस्कस चैप्टर सेकंड, द एड्रेस, रिटन बाय मार्गो मिन्हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर दीज आर फोर कैरेक्टर्स। पहले के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं इसका। यस, दिस इज डोरलिन, ये मेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, मिसेस डोरलिन, मिसेस एस, द नरेटर, डॉटर ऑफ मिसेस एस, एंड इज 15 इयर्स गर्ल। तो 15 ईयर ओल्ड जो गर्ल होती है वो, इसमें यही मेन जो फोर कैरेक्टर्स है जिसका डिस्क्रिप्शन आएगा। ये कुछ वर्ड्स हैं, हनुक्का, एक ज्यूइश फेस्टिवल ऑफ लाइट, जो उत्सव होता है, प्रकाश उत्सव होता है ज्यूइश का, उसके लिए वर्ड यूज किया गया, टेक्स्ट में आएगा। क्यूरियस, एनेक्सियस, बहुत ज्यादा उत्सुक। एनेमन, एक टाइप ऑफ पेंट, एक प्रकार का जो पेंट है। मस्टी, स्मेलिंग डेंट, जो सीलन भरी जो दुर्गंध है वो। दिस वर्ड्स आई डिडंट डिस्कस सो मेनी वर्ड्स बिकॉज वी विल डिस्कस वर्ड्स व्हाइल रीडिंग एंड आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड अ पीडीएफ ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर। द एड्रेस। दिस शॉर्ट स्टोरी is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Poland. Poignant का मतलब क्या होता है? Moving, heart touching, बहुत ही मर्मभेदी, moving, heart touching जो story है, एक daughter की जो कि अपनी mother की belongings को लेने के लिए उनकी खोज में war के बाद, युद्ध के बाद Poland जाती है। When she finds them, जब वो चीजों को मिलती, जब वो चीजें उसको मिलती हैं, the objects evoke memories of her former life, वो जो objects हैं, उसकी जो past की life की जो memories होती हैं, यादें होती हैं, उनको ताजा कर देती हैं, उनको evoke क्यों होता है, जागृत कर देना या remind करवाना किसी चीज को। However, she decides to leave it all behind and resolves to move on. हालांकि वो decide करती है कि सब चीजों को पीछे छोड़ दूंगी और वो आगे बढ़ जाएगी। चलो, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, अब हम डिटेल समरी इसकी, सॉरी चैप्टर पढ़ते हैं। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, उस औरत ने मुझे बड़े ध्यान से सर्चिंगली खोज करते हुए देखा। सी हैड ओपनड द डोर इचिंग, इचिंग होता है थोड़ा सा, ए लिटिल बिट, उसने दरवाजे को थोड़ा सा ही खोला था, मतलब थोड़ा सा दरवाजा उसने खोला था। I came closer and stood on the step. मैं थोड़ा पास आ गई और उस स्टेप के ऊपर खड़ी हो गई। No, I don't know you. नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। I am Mrs. S. daughter. मैं Mrs. S. की डॉटर हूँ। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. उसने क्या किया? दरवाजे के ऊपर अपना हाथ रखा और उसको रोक के रखते कि इसको आगे कुछ ज्यादा मैं ना खोलूं। Her face gave absolutely no sign of recognition. उसका जो चेहरा था निश्चित रूप से एब्सोल्युटली पूरी तरह से सर्टेनली कोई भी पहचानने का ऐसा कोई भी रिकॉग्निशन, मतलब ऐसा कोई भी फीलिंग एक्सप्रेशन शो नहीं किया कि उसको पहचान रही है। सी कैप्ट स्टेयरिंग एट मी, स्टेयरिंग होता है घूर कर देखना, वो मैं घूर कर देखती रही इन साइलेंस, बिल्कुल चुपचाप। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, मैंने सोचा शायद मेरे से ही गलती हो गई थी। आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर, शायद ये वो नहीं है। I had seen her only once, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ एक बार ही देखा था। Fittingly and that was years ago, वो भी जल्दबाजी में, fittingly होगा मतलब जल्दबाजी में, और ये हल्का सा और काफी सालों पहले। It was most probable that I had rung the wrong bell, हो सकता है पूरी पूरी possibility थी कि शायद मैंने गलत जो bell है वो बजा दी थी। The woman let go of the door and stepped to the side. जो वुमेन थी वो दरवाजे के पास में खड़ी रही और स्टेप टू द साइड, साइड से देखती रही। सी वाज वेयरिंग माय मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, लेकिन उसने क्या पहने हुआ था? मेरी माँ का जो ग्रीन नट हरे रंग का जो कोट था, स्वेटर थी, वो पहने हुई थी। द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, हालांकि उसकी जो लकड़ी के जो बटन्स बने हुए थे वो वॉशिंग की वजह से, बार बार धोने की वजह से थोड़े से धुंधले पड़ गए थे। सी सॉ दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने देखा कि मैं उसकी कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ। एंड हाफ फिट हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, उसने क्या किया? जैसे उसका ध्यान गया कि जो नरेटर है उसके कार्डिगन की तरफ देख लिए, तो अपने आप को पीछे दरवाजे के पीछे छुपा लेती है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वाज राइट, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि मैं बिल्कुल ही सही
दी जो करेक्ट जो एड्रेस था उसी के ऊपर आई थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्ट, मैंने उससे पूछा, वेल तुम मेरी मदर को जानती थी, हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, क्या तुम वापस आ गई हो? वुमन ने पूछा, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने तो सोचा था कोई वापस नहीं आएगा। ओनली लाइट ने कहा कि सिर्फ मैं, ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, जो दरवाजा था उसके पीछे मतलब खुला और बंद हो गया। ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, एक बिल्कुल मस्टी स्मेल क्या होती है, सीलन भरी दुर्गंध जो होती है वो उसकी आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, तो मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। कौन बात कौन बोलते हैं, बात मिसेस डोरिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं सिर्फ मतलब विशेष तौर से ट्रेन से यहाँ आई हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ फॉर ए मोमेंट कुछ देर के लिए। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, नहीं नहीं ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, उस वुमन ने कहा, नहीं कांट सी यू, मैं तुम्हें नहीं देख सकती, अनदर टाइम, तुम फिर कभी आना। सी नोडेड एंड कॉन्शियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्बड, उसने सिर हिलाया बड़ी सावधानी से दरवाजे को बंद कर लिया जैसे कि घर में कोई भी मतलब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी रही जहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर थी मैं। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो रूम, बाहर की तरफ जो खुली खिड़की थी उसका जो दरवाजा था वो हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, शायद किसी ने मुझे घूर कर देखा था। वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और शायद ने पूछा होगा कि मैं क्या चाहती थी। ओह नथिंग द वुमन वुड हैव सेड, और उस वुमन ने कह दिया होगा, उस वुमन ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, इट वॉज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था। आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन, मैं फिर से उस जो नेम प्लेट लगी होती उसको फिर से देखा, उस नेम प्लेट को डोरलिंग इट सेड, उसके ऊपर लिखा था डोरलिंग इन ब्लैक लेटर्स, काले ले जो ब्लैक कलर के लेटर्स थे उन्हें लिखा हुआ था वो व्हाइट एनामल जो पेंट थी सफेद कलर की, जो पेंट थी ब्लैक कलर के लेटर्स में मिसेस डोरलिंग लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम, जैम हो गया यहाँ पे जो दरवाजा होता है जो साइड पाखा या बाहरी जो पोर्शन होता है उसके लिए जैम वर्ड यूज किया है। ऑन द जैम एक ही खाली थोड़ा सा ऊंचा द नंबर नंबर 46 उस पे दरवाजे का जो पाखा था उसके ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर हाउस नंबर 46 लिखा हुआ था। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, अब जैसे ही मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जा रही थी, आई थॉट अबाउट माय मदर, मैंने मेरी माँ के बारे में सोचा, हु हैड गिवन मी द एड्रेस इयर्स अगो, जिसने मुझे ये एड्रेस काफी साल पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये कब था मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर जब युद्ध हुआ था उसके मिडिल मतलब बीच का समय था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिन के लिए घर पर थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और मैंने तुरंत ये बात पहचान ली कि कुछ ना कुछ चीज जो है इस कमरे में इस रूम में चेंज हो रही है और मिसिंग हो रही है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं वो वहां पे नहीं थी। माय मदर वाज सरप्राइज्ड, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और मेरी माँ भी इस बात के लिए बड़ी सरप्राइज थी कि मैंने इतनी जल्दी चीजें मतलब ऑब्जर्व कर लिया, ये बात नोटिस कर ली कि चीजें मिसिंग है। Then she told me about Mrs. Rowling. फिर उसने मुझे Mrs. Rowling के बारे में बताया था। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. मैंने अबसे पहले कभी उसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन वो मेरी माँ की कोई दूर की परिचित थी, acquaintance होता है well known परिचित। Whom she hadn't seen for years, जिसपे उसने काफी सालों से नहीं देखा था। She had suddenly found up and renewed their contact. वो जब अचानक से appear हो जाती है और उसका जो पुराना contact उसको renew कर देती है। Since then they had come regularly. और अब तो वो जाना ही regularly ही आने लगी। Every time she leaves here, she takes something home with her. Said my mother. मेरी माँ ने कहा कि हर बार जब भी वो आती है घर छोड़ के जाती है तो कुछ ना कुछ चीजें अपने साथ ले जाती है। She took all the table silver in one go. एक बार में जो table की silver थी जो भी बर्तन थे जो भी कप वगैरह थे वो सब सिल्वर की वो सब लेके गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, और फिर उसके बाद जो विशेष जो प्राचीन जो प्लेट्स थी दैट हंग देयर जो वहाँ पे लटकी रहती थी उनको लेकर गई। सी हैड ट्रबल लैगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड, सी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द प्रॉब्लम, और उसे बड़ी ही परेशानी हो रही थी कि वो इतने जो लार्ज वेसेस जो बड़े बड़े जो फूलदान थे उनको उठाने में ले जाने में, और मैं तो इस बात के लिए वरीड थी कि कहीं इसकी यस क्रिक ना आ जाए इसकी बैक में, क्रिक कमी होता है एक कि कहीं झटका ना आ जाए इसकी कमर में फ्रॉम द प्रॉब्लम।
की जो हैवी प्रॉपर्टीज कहते थे, माई मदर सुख का है फिटिंगली, मेरी माँ ने बड़े ही डैमिंग हाउस से मतलब फिटिंगली गया करके अपने से बोला है मामा, आई वुड नेवर हैव हियर्ड आस्क्ड, और कभी मेरी हिम्मत नहीं कि मैं माँ से बात पूछूँ। सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने खुद ही मुझसे ये बात कही थी। सी इवन इंसिस्टेड, हालांकि उसने खुद मुझे इंसिस्ट किया था। सी वॉन्टेड टू से ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी जो सारी अच्छी चीजें थी उनको बचाना चाहती थी। इफ वी हैव टू लीव हियर दिस चैलेंज एवरीथिंग सी सेड, वो कहती अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हम हमारी जो सारी चीजें हैं उनको लॉस्ट कर देंगे, सारी चीजें गुम हो जाएंगी। इफ वी हैव टू लीव हियर दिस चैलेंज एवरीथिंग सी सेड, हैव यू एग्रीड विद हर दैट सी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, क्या तुमने कोई समझौता किया उसके साथ कि वो सारी चीजें हमारी संभाल के रखेगी। मतलब नरेटर ये बात उसे पूछ लेती अपनी मदर से, एज इट दैट्स नेसेसरी माय मदर्स प्राइड, क्या ये जरूरी है मेरी माँ मतलब इस बात पे, जैसे मैंने मुझे ये क्या कुछ लिखित में लिया या कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि वो सारी चीजें संभाल के रखेगी। जैसे ही मैंने बात बोली तो जो नरेटर की मदर है वो जोर से बोलती है, तो उसके ऊपर गुस्सा होती है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ये तो सिर्फ उसकी इंसल्ट होगी इस तरह से बात करना। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस ऑफ बैग, और तुम सोचो ये अगर मैं उससे इस बारे में बात करूँ तो ये उसके लिए इंसल्ट नहीं होगी, और तुम खुद सोचो कि हर बार वो कितना भारी बैग लेकर जाती है हमारे घर से, तो क्या उसको परेशानी नहीं होती होगी। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वाज मोर देन एंटायरली कन्विंस्ड, और मेरी माँ ने भी ये बात मीन्स ऑब्जर्व कर ली थी कि मैं पूरी तरह से माँ की बात से सहमत नहीं थी, कन्विंस्ड मतलब एग्री नहीं थी। सी लुक एट मी रिप्रूविंगली कमिंग ऑफ दैट रिव्यू की डांटते हुए, या मतलब एक प्रकार से धमकाते हुए रिप्रूविंगली, एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद हमने इस टॉपिक के ऊपर कभी भी बात नहीं की। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो नरेटर है उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा उस लेडी के ऊपर कि सारा सामान ले जा रही है, तो वो अपनी मदर से क्वेश्चन पुट कर लेती कि क्या माँ आपने इसे पूछा है क्या कि कोई एग्रीमेंट किया है, कि जैसे ही नरेटर ये बात बोलती है मदर से कि एग्रीमेंट किया है तो इस बात पर उसकी मदर से गुस्सा हो जाती है, और वो कहती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, अगर मैं उससे ऐसी बात पूछूंगी तो उससे उसकी इंसल्ट हो जाएगी, तुम खुद भी तो देखो उसे खुद भी तो कितना परेशान होना पड़ रहा है। तो इस उस दिन के बाद इस टॉपिक पे कभी कोई बात नहीं होती। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. और इसी दौरान मैं स्टेशन के ऊपर पहुंच गई थी और मैंने अपने चारों तरफ जो भी चीजें थी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि जो नरेटर उसका अपनी पास्ट मेमोरीज में खोई हुई थी, तो स्टेशन पे भी पहुंच जाती उसके आस पास में कोई ध्यान नहीं देती। I was walking in a familiar place again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. कहते हैं कि मैं वही फैमिलियर प्लेसेस जो मेरे जाने पहचानी जो जगह थी उन पे मैं चल रही थी, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, वार के बाद पहली बार उन जगह से गुजर रही थी, बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, लेकिन मैं अब उनके ऊपर और ज़्यादा नहीं चलना चाहती थी क्योंकि वही प्लेसेज मुझे कुछ याद दिला रही थी, इसलिए उनके ऊपर और जाना नहीं चलना चाह रही थी। आई डिड वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीवियस टाइम, कहते हैं कि मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, ये जो गलियां थी इनके दृश्य को देखकर, हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज, ये जो घर थे कि मेरी यादों से मेमोरीज से भरे हुए थे, फ्रॉम ए प्रीवियस टाइम, पहले का जो समय था कि अच्छे टाइम जो हमने यहाँ पे स्पेंड किए थे, युद्ध से पहले वो यहाँ पे रहते थे, अब युद्ध के बाद जब वो पहली बार आई है तो उसको यादें आ रही है, तो कहती कि मैं उनको नहीं देखना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, ट्रेन में जब मैं बैठी थी तो मेरे सामने फिर से मिसेस डॉर्लिंग आती है, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे कि मैं पहली बार उसे मिली थी। इट वॉज अ मॉर्निंग आफ्टर द डे, ये सुबह का समय था, आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, उस दिन के बाद जब मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था। आई हैड बॉट अ प्लेट, मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी माँ जो है वो किसी को मतलब विदाई करने वाली थी दरवाजे के ऊपर। ए वुमन विद ए ब्रॉड बैग, एक औरत है जिसका काफी विशाल बड़ी सी बैग है। दिस इज माई डॉटर सेड माई मदर, वो देखो मेरी बेटी है, मेरी माँ ने कहा। सी बेकेंड टू मी, उसने भी अपना हाथ मेरी तरफ हिलाया। The woman noted and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and
एन ए सी प्लस हेड जो वुमेन थी उसने अपना सिर हिलाया और वो जो एक काफी हैवी सा जो सूटकेस था गोल्ड रैक के नीचे से उसने सूटकेस को उठा लिया और जो वह एक भूरे रंग का और जिसका स्लीवलेस आकृति यूनियन टॉप पहनी हुई थी। डस सी लिव फार अवे आई आस्क्ड, क्या बहुत ज्यादा दूर रहती है, मैंने पूछा। सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, कि मैंने क्यों पूछा है बात कि उसको कितनी डिफिकल्टी हो रही है उस चीज मतलब सूटकेस को बाहर ले जाते हुए विद द हैवी केस, जो हैवी केस मतलब जो भारी सूटकेस था। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड बाय मदर, नहीं मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46, रिमेंबर दैट, याद रखना इसको, मार्कोनी स्ट्रीट में और 46 में रहती है, इस नंबर पे याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड, मैंने इसे याद भी रखा था, बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन वहां जाने के लिए मैंने काफी लंबे समय तक वेट किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वाज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वाज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, कहते हैं कि आफ्टर द लिबरेशन मतलब युद्ध के बाद फ्रीडम लेने फ्रीडम के बाद एब्सोल्युटली मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उस जगह पे जाऊं फिर से और जो भी स्टोर्ड स्टफ था मतलब इकट्ठा किया हुआ जो भी सामान था उसको लूं। नेचुरली स्वाभाविक रूप से तो आई वाज आल्सो रादर अफ्रेड, स्वाभाविक रूप से कहूँ तो नेचुरली तो मैं थोड़ा सा डरी हुई थी, मतलब युद्ध के बाद वो जो सारी चीजें थी उनको देखना तो नरेटर की हिम्मत नहीं होती, थोड़ा डरी हुई थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, मतलब किस बात से डरी हुई थी, वो इस बात से डरी हुई थी कि वो जो चीजें हैं वो उनसे बिलोंग करती हैं जिनसे उनका कनेक्शन था और वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि वो जो सारी चीजें हैं उसकी मदर से बिलोंग करती थी और उसकी मदर अब नहीं है, मतलब उसकी नरेटर की जो मदर है अब वो नहीं है, तो वो जो सारी चीजें हैं नरेटर की मदर से बिलोंग करती हैं और उसकी मदर अब वो यहाँ पे नहीं थी, मतलब सी इज नो मोर, विच वर हिडन अवे इन कबोर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, वो जो सारी चीजें हैं वो कहीं छुपा के रखे हुए होंगे कबोर्ड्स में बॉक्सेस में और वेटिंग कर रहे होंगे, वे बेकार में ही इंतजार कर रहे होंगे कि जब तक कि उन्हें वापस उनकी जगह पर न रख दिया जाए। विच हैड एंडोर्ड ऑल दोज इयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो सारे सालों इस दौरान वो वहीं पर रखी रही थी, क्यों रखी रही थी, क्योंकि वो सारी चीजें थी दोज आर थिंग्स, ठीक मतलब वही सारी जो वैल्यूएबल थिंग्स थी प्लेट्स वगैरह जो मिसेस रोलिंग कलेक्ट करके ले जाती थी, ठीक है सो वो सारी चीजें, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। ब्रेड वाज गिवन टू बी ए लाइट पिलर, देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनट्रीटेड, अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू और ग्लैंसिंग एट इट्स डे, एंड वन डे आई नोटिस्ड curious about all the possessions that must still be at that address, wanted to see them, touch, remember, yes. अब नरेटर क्या कह रहे हैं इस तरह का अपने कि ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, जो ब्रेड थी डबल रोटी का उसका कलर हल्का हो गया था, कलर हल्का हो गया था इसका मतलब ये नहीं कि उसका रंग हल्का हो गया, मतलब चीजें मिलनी अवेलेबल होनी आसान हो गया था और आज मतलब बेड के ऊपर कोई डर नहीं था, सब चीजें नॉर्मल हो चुकी थी, अपने बेड के ऊपर बिना डरे बिना धमकाए आप आराम से सो सकते थे और एक आप एक रूम था जो उसका व्यू है उसके आप हैबिचुअल हो गए थे कि हर चीज आप हर हो जाना उसी रूम को देखना उसकी ग्लैंस करना, मतलब इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे कि लाइफ नॉर्मल हो गई थी, चीजें आसानी से अवेलेबल हो गई थी, अब कोई किसी का डर नहीं था, सब कुछ ठीक था। और फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ, जो नरेटर है वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है उन सब चीजों के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए, उनको छूने के लिए और उनको यस याद करती है। आफ्टर माय फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस स्टॉर्लिंग्स हाउस, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट विजिट होती है जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में रीड किया था, जो नरेटर की जो फर्स्ट विजिट है वो बेकार हो जाती है, बिल्कुल भी मिसेस स्टॉर्लिंग उसे पहचानने से इनकार कर देती, दरवाजा तक नहीं खोलती, लेकिन वो वापिस आ जाती है। अब सेकेंड टाइम अब नरेटर डिसाइड करती है कि सेकेंड टाइम दोबारा से जाऊंगी हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई सेकंड टाइम, मैंने निश्चय किया कि मैं एक बार फिर से कोशिश करती। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, अब एक 15 साल की लड़की ने दरवाजा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, मैंने उसे पूछा क्या उसकी मदर घर पे है। नो शी सेड, नहीं उसने कहा, माय मदर इज डूइंग एन एरेंड, मेरी माँ बाहर गई थी। नो मैटर, कोई बात नहीं, आई सेड, मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर हर, मैं उसके लिए इंतजार करूंगी। I followed the girl along.
यस फेस्टिवल लाइट्स का जो कैंडल होल्डर था वो वहां पे रखा था, टू एमी एलेक्सेंडर के पास रखा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, हमने कभी इसका यूज नहीं किया था, बिकॉज इट वाज मच मोर कैम्बरसम। कैम्बरसम का मैंने यहाँ पे है हैवी, कैम्बरसम का मैंने यहाँ पे क्या है हैवी, कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा हैवी था। देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, एक सिंगल कैंडल स्टिक की बजाय ये जो यस ओल्ड फैशन जो आयरन हुआ था कैंडल होल्डर था बहुत ज्यादा भारी था, इसलिए हमने इसे कभी यूज नहीं किया था। व्हाट इज इट डाउन, क्या तुम बैठोगे नहीं आज रात को, उस लड़की ने पूछा। सी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, उसने दरवाजा खोला लिविंग रूम का और मैं उसके पीछे गई। आई स्टॉप, मैं रुकी, हॉरिफाइड, एकदम से डर गई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं वैसे रूम में थी जिसको मैं जानती थी एंड आई डिड नॉट नो, वो नहीं जानती। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैंने अपने आप को उन चीजों के बीच में पाया जो मैं देखना चाहती थी। बट इट ओप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, लेकिन वो सारी चीजें मुझे बड़े ही अजीब एटमोसफियर में मिली वहां पर। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और जिस टेस्टलेस वे से मतलब एरोचिकल तरीके से वो सारी चीजें वहां पे अरेंज की गई थी, बिकॉज ऑफ द अग्नि फर्नीचर, वो जो अग्नि भद्दा सा जो फर्नीचर था उसका मगी मगी हो जाएगा, यस स्मेल ऑफ डैम्पनेस, सीलन भरी जो दुर्गंध थी, दैट अंधेर जो यहाँ पे आ रही थी, सीलन भरी दुर्गंध थी, गंदा सा फर्नीचर था। आई डोंट स्टेयर एट द वुडन टेबल क्लॉथ, कहते हैं सॉरी आई डोंट नो बट आई स्केयर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं जानती लेकिन मैंने मुश्किल से हिम्मत की कि मैं चारों तरफ देखूं। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने चेयर लेकर आई, आई सैट डाउन, मैं बैठ गई एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और मैंने जो वुलन टेबल क्लॉथ था उसको, उनका बना हुआ जो टेबल क्लॉथ था उसको घूर कर देखा। आई रब इट, मैंने उसको जो कपड़ा था उसको रब करके देखा कि ऐसे रब किया। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी जो फिंगर्स थी रब करने से वार्म भी हो गई थी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और मैंने जो लाइन्स का जो पैटर्न था उनको भी फॉलो किया। Somewhere on the edge, there should be a burn mark. इसके किनारे पर कहीं ना कहीं एक जले का निशान होना चाहिए। That had never been repaired, जो कभी भी ठीक नहीं किया गया था। My mother will be back soon, said the girl. मेरी माँ अभी आती होगी, लड़की ने कहा। I have already made tea for her. मैं पहले ही उनके लिए चाय बना चुकी हूँ। Will you have a cup? क्या तुम भी एक कप लोगी? Thank you. उसने धन्यवाद किया उसका। I looked up. मैंने चारों तरफ देखा। The girl put cups ready on the tea table, जो लड़की थी उसने जो टी कप्स थे टेबल के ऊपर रेडी कर दिए। She was a broad back, उसकी भी एक चौड़ी फीट थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ की तरह उसकी फीट काफी चौड़ी थी। She poured tea from a white pot, उसने जो टी थी एक वाइट पोट से, जो सफेद रंग का जो पोट था बर्तन था, उसने उसे टी डाली उसमें। All it had was a गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और मुझे पता था कि इसके बॉर्डर के ऊपर एक गोल्ड की सुनहरे रंग की जो ढक्कन उसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है। आई रिमेम्बर, मुझे याद थी। सी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट, उसने बॉक्स को ओपन किया और कुछ जो स्पून थी उसमें से निकाली। दैट्स ए नाइस बॉक्स, वो एक बहुत ही अच्छा बॉक्स था। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी खुद की ही आवाज सुनी। इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस, एक बहुत ही अजीब आवाज थी। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने दरवाजे की तरफ यस पॉइंट किया। सी फॉर योरसेल्फ, तुम खुद ही देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, और मुझे उसके हाथ को देखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। सी आई नो व्हिच थिंग सी मी, मुझे पता था वो कौन सी चीजों के बारे में बात कर रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टेबल, मैंने जो शांत जो लाइफ के टेबल के ऊपर उसको देखा। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसी कमिंग या ओवर लाइफ, एक बच्चे के रूप में जो हमेशा मैं पसंद करती थी द एप्पल ऑन प्यूटेड प्लेट, बच्चे के रूप में मैं जो टेबल की एक प्यूटेड मतलब प्रास की बनी हुई जो प्लेट थी उसी में एप्पल लेकर खाना पसंद करती थी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, सी से उसने कहा, हम तो इसे हर काम के लिए यूज कर लेते हैं। वंस वी इवन हैड ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार तो हमने दीवार के ऊपर जो प्लेट्स लटकी थी उनमें भी खाना खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं भी ऐसा कहना चाहती थी, बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन ऐसा कुछ विशेष नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने जो टेबल क्लॉथ के ऊपर जले हुए का जो निशान था मुझे मैंने ढूंढ लिया था, मुझे मिल गया था।
द गर्ल लुक क्वेश्चनली एट मी, और लड़की ने बड़ी प्रश्नवाचक निगाहों से मेरे को देखा। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। कहते कि तुम ये जो सारी प्यारी जो चीजें हैं तुम इनके हैबिचुअल हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं उन चीजों के टच करने में, और तुम इसकी मुश्किल से कब इनकी तरफ ध्यान देते हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, इनकी तरफ तुम तभी ध्यान देते हो जब ये चीजें तुमसे मिस हो जाती हैं, खो देते हैं लोग। बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर, बिकॉज यू हैव लैंड फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इन्हें आपको ठीक करना होता था जो कि आपने मतलब बाहर निकाली है। जैसे कि डिसाइड कर लिया कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊंगी,
ऑफ ऑल द थिंग्स, और सारी चीजों को आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलना ही था, दैट वुड बी द इजीएस्ट, वो सबसे आसान था, और जो चीजें थी उनको भूलने से सबसे आसान क्या था, उसे एड्रेस को भूलना. सो हियर द चैप्टर इज फिनिश्ड. यस, सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड द समरी, द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर. ओके, थैंक यू.